जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो जाते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता। प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस के ऑफिस में रात में घुसकर किस तरह से फाइलें उठा ली जाती हैं, उनके मंत्री ब्यूरोक्रेट्स के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हैं दिल्ली के ऑनरेबल LG के बारे में। अब इनके मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के बारे में जो पूरी ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं, अब उनके ऊपर ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। और विधानसभा का सत्र होता है तो LG को हाउस के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग गाली देते हैं, चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, पता नहीं क्या क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। कभी ऑनरेबल LG की तरफ से कोई कभी भी उस पर कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और LG एक पत्र दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि LG को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था। अरे भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, दिल्ली के मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और यदि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को कोई शिकायत है तो आखिर वो किसको पत्र लिखेंगे। जो ऑर्डिनेंस आया है उसका स्वागत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल को समझ आएगी, वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर उनको दिल्ली के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ऊंची राजनीति करना उनको बंद करना चाहिए।